नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पवन महर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। धामी कैबिनेट की बैठक में आज आबकारी नीति पर लग सकती है मुहर। 4,000 करोड़ के राजस्व का रखा है लक्ष्य। सीएम धामी ने पंतनगर एयरपोर्ट पर की G20 बैठक की तैयारियों की समीक्षा। खटीमा में सुनी जन समस्याएं। चारधाम यात्रा को लेकर चाक चौबंद की जा रही व्यवस्थाएं। रोस्टर के आधार पर होगी डॉक्टरों की तैनाती। उत्तराखंड में भारी बारिश और ओलावृष्टि। पौड़ी में गिरी आकाशीय बिजली। मसूरी में बड़ी ठिठुरन। पटवारी पेपर लीक में 50,000 का इनामी डेविड गिरफ्तार। पेपर रटवाकर लाखों वसूलने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार आज शाम इसी मार्च महीने की चौथी कैबिनेट बैठक करने जा रही है। सरकार 4,000 करोड़ रुपए का आबकारी राजस्व वसूली लक्ष्य रखते हुए शराब के ठेकों को रिन्यू कर सकती है। इसके साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पास हो सकते हैं। सीएम धामी के इन दिनों काफी व्यस्त कार्यक्रम चल रहे हैं। कल सीएम ने टनकपुर में सरल मेले का उद्घाटन किया। आज सीएम ने पंतनगर में अफसरों के साथ G20 समिट की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक में भाग लिया। आज शाम को सीएम धामी कैबिनेट की बैठक लेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने जानकारी दी है। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पैदल मार्गों पर शौचालय, पेयजल और रहने की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। वहीं पौड़ी जिले में बारिश और ओले पड़ने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पौड़ी जिले के भाकड़ गांव में बिजली गिरने की भी सूचना है। हालांकि कोई जनहानि नहीं है। वहीं बारिश के कारण नेशनल हाईवे 534 लगातार बाधित हो रहा है। इसको लेकर लोक निर्माण और राष्ट्र राजमार्ग विभाग को मुस्तैद रखा गया है। उत्तराखंड SIT को पटवारी पेपर लीक मामले में बड़ी सफलता मिली है। SIT ने 50,000 के इनामी आरोपी डेविड को गिरफ्तार कर लिया है। पटवारी पेपर लीक मामले में अब डेविड समेत 16 बड़े आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विकासनगर में अवैध कब्जे पर दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। दूसरे दिन शक्ति नहर के किनारे अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। यहां अभी तक 350 अवैध मकानों का ध्वस्तीकरण किया गया है। देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र में सहारनपुर के एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रविवार रात में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद युवक की मौत हुई। घटना के बाद परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र पहुंचकर जमकर हंगामा किया। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं। कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। सरकार और जिला प्रशासन केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन केदारनाथ यात्रा की तैयारियों में सबसे बड़ी चुनौती मौसम बन रहा है। बीते एक हफ्ते से केदारनाथ में लगातार बर्फबारी हो रही है। UK SSS पेपर लीक के मास्टरमाइंड हाकम सिंह पर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। उत्तराखंड STF ने हरिद्वार में मास्टरमाइंड हाकम सिंह की संपत्ति कुर्क की है। उत्तराखंड आबकारी विभाग ने मार्च फाइनल के लिए 10 दिन में 300 करोड़ का टारगेट रखा है। अगर आबकारी विभाग ऐसा कर पाता है तो इससे पिछली पेंडिंग चल रही रिकवरी को भी निपटाने में कामयाब रहेगा। बाकी अपडेट्स लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।